Hello, today we will see string comparison. There are three different string comparison methods. One is using equals method, next is equal to operator, and third is compare to method. First is equals method. Equals method compares original content of the string, which means it compares values of string for equality. For example, if I have one string as string S1 that has EEC, एक और स्ट्रिंग है मेरे पास स्ट्रिंग S2, इट ऑल्सो हैज EEC. नाउ इफ आई क्रिएट स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग अगेन विद EEC एंड वन स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग S4 दैट हैज classes. So now if I will use equals method like s1 dot equals s2, तो ये क्या करेगा, ये s1 और s2 के contents को check करेगा, दोनों के content same है, so it will return true. Similarly if I write s1 dot equals S3, अगेन इट विल चेक द कंटेंट EEC S1 का और S3 का क्या है EEC, सो इट विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू. बट इफ आई राइट S1 डॉट इक्वल्स S4, नाउ S1 हैज EEC एंड S4 हैज क्लासेस, सो कंटेंट डिफरेंट है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स. Equals always compares the content. Next is equals to operator. Equals to operator compares references, not values. So if I write S1 equal to S2. अब आप देखिए दोनों का जो reference है वो क्या है, क्योंकि ये string literal है, तो दोनों S1 और S2 किसको पॉइंट करेंगे, सेम रेफरेंस EEC को, विच मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू. एंड इफ आई राइट S1 इक्वल्स टू S3, तो अब देखिए S1 का जो रेफरेंस होगा और S3 का जो रेफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का रेफरेंस सेम होगा बीइंग स्ट्रिंग लिटरल, बट यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली न्यू ऑपरेटर यूज किया है, विच मीन्स अ न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू मेमोरी रेफरेंस विल बी क्रिएटेड, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. नेक्स्ट इज कंपेयर टू. इट कंपेयर्स वैल्यूज लेक्सिकोग्राफिकली एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स इफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन सेकेंड वन. इसमें तीन कंडीशन है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं S1 इज इक्वल्स टू S2 then it will return 0. If S1 is greater than S2, then it will return a positive value. If S1 is less than S2, then it will return negative value. और ये जो positive और negative value है ये कुछ भी हो सकती है. Now we will see the examples of all three methods, equals, equal to operator and compare to operator in the system, which will help you in clearing your concept even more. Now we will see the implementation of string comparison methods. There are three different types of methods or three different ways where we can use for string comparison. बहुत बार ये interviews में भी और exams में भी पूछा जाता है difference between equals and equal to operator. Sometimes they also ask difference between equal to and compare to methods. So this particular tutorial will tell you the difference between all the three different string comparison methods that can be used. So एक एक करके हम तीनों different methods को cover करेंगे. सबसे पहले है equals method. As I have told in the theory class, equals method is used for comparing the content of the string. So एक
मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रिंग S1 एंड सेकंड आई एम क्रिएटिंग वन मोर स्ट्रिंग S2 और इनका कंटेंट मैंने सेम रखा है EEC। आई एम क्रिएटिंग वन मोर स्ट्रिंग S3 एंड इसका कंटेंट मैंने रखा है क्लासेस। सो थ्री डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं यहाँ पे, दो का कंटेंट सेम है और तीसरे का कंटेंट डिफरेंट है। नाउ आई विल यूज स्ट्रिंग इक्वल्स मेथड फॉर द कंपैरिजन। सो आई एम टेकिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ S1 और S2 का। सो S1 डॉट इक्वल्स S2, इट विल कंपेयर द कंटेंट ऑफ बोथ S1 एंड S2 एंड इफ द कंटेंट्स आर सेम इट विल रिटर्न ट्रू। सो इसको एक बार कंपाइल करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं S1 और S2 दोनों में EEC है, दैट मीन्स द कंटेंट्स आर सेम, सो इट इज रिटर्निंग ट्रू। इफ आई विल कंपेयर विद S1 टू S3 देन द कंटेंट्स आर डिफरेंट, सो इट विल रिटर्न मी फॉल्स। सो दिस इज हाउ इक्वल्स वर्क्स। नाउ आई विल क्रिएट वन मोर स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बट विद द यूज ऑफ न्यू ऑपरेटर। सो आई एम क्रिएटिंग स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड द कंटेंट इज सेम EEC। सो नाउ देर आर थ्री डिफरेंट स्ट्रिंग वेरिएबल्स विद द सेम कंटेंट, दैट इज EEC। S1, S2 आर स्ट्रिंग लिटरल्स एंड S4 इज अनदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द वैल्यू EEC। सो नाउ आई विल यूज इक्वल टू ऑपरेटर टू चेक वेदर टू डिफरेंट स्ट्रिंग टाइप लिटरल्स और वेरिएबल्स आर पॉइंटिंग टू द सेम रेफरेंस और नॉट। सिंस इक्वल टू ऑपरेटर इज यूज फॉर कंपेयरिंग द रेफरेंसेस नॉट वैल्यूज। सो अगर मैं करता हूँ S1 इक्वल टू S2, नाउ S1 एंड S2 आर बोथ पॉइंटिंग टू द सेम मेमरी रेफरेंस बिकॉज दे आर स्ट्रिंग लिटरल्स नॉट बाई यूजिंग न्यू ऑपरेटर। सो S1 इक्वल्स टू S2 शुड बी ट्रू। सो यू कैन सी दैट S1 इक्वल्स टू S2 इज ट्रू। नाउ इफ आई यूज S1 इक्वल्स टू S4, अब S1 जो है वो एक अलग मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है और S4 बींग अ न्यू बींग क्रिएटेड विद अ न्यू ऑपरेटर इज पॉइंटिंग टू सम अनदर मेमोरी रेफरेंस, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। एज यू कैन सी दैट इट इज रिटर्निंग मी फॉल्स, बट अगर मैंने यहीं पे डॉट इक्वल्स यूज किया होता तो क्या आंसर आता? ट्रू, क्योंकि उसमें वो कंटेंट को चेक करता है ना कि मेमोरी के रेफरेंस को। सी दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स मेथड। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर टू मेथड। सो इफ आई राइट हेयर कंपेयर टू S4, बोथ कंटेंट्स आर हैविंग EEC सेम है दैट इट शुड रिटर्न टू मी जीरो, सो इट इज रिटर्निंग जीरो। नाउ इफ आई विल ट्राई टू कंपेयर इट विद S3, सो इट इज रिटर्निंग मी पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ S3 और S1 का, दैट शुड रिटर्न टू मी अनदर वैल्यू, अ डिफरेंट वैल्यू। नाउ इट इज रिटर्निंग टू मी -2। सो कंपेयर टू इज यूज फॉर लेक्सोग्राफिकल कंपेरिजन बिटवीन टू स्ट्रिंग वैल्यूज एंड हाउ इट रिटर्न डिफरेंट जीरो पॉजिटिव एंड माइनस आर इज ऑलरेडी बीन कवर्ड इन द थ्योरी क्लास। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग कंपेरिजन मैथड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर थ्योरी एंड एज वेल एज इंटरव्यू क्लासेस। Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects.